Hello students, so today we are going to start exercise 4.1 NCERT linear equation in 1-2 variables. Now class 9 की बात हो रही है यहाँ पर. तो students सबसे first question अगर देखते हैं तो first question आता है cost of a notebook is twice the cost of a pen and write a linear equation in 2 variables to represent this statement. इस exercise में आपको equations form करके दिखानी है. ठीक है, और सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, ax plus by plus c is equal to 0. वहां पर a, b and c ये कांस्टेंट्स वाले आते हैं एंड x एंड y आर वेरिएबल्स. और ऑलवेज आपको यही करना है, आपको जब भी आपको कोई स्टेटमेंट अगर आप किसी इक्वेशन में फॉर्म करते हैं तो आपको ऑलवेज इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोला जाता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म. जो यहाँ पर भी इन्होंने बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म, तो इट मींस एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है. पर यहाँ पर भी ए बी सी की जो बात है वो कॉन्स्टेंट ही है. तो ओके, हम ये वाला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन सेट करना है. आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक है वो पेन की कॉस्ट पर डिपेंड करती है, कि पेन की जो भी कॉस्ट रही होगी उसका ट्वाइस आपकी नोटबुक की कॉस्ट है. तो हम क्या करेंगे, हमें टू वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों ही कॉस्ट को सपोज करना पड़ेगा. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, बीज एक्स कह सकते हैं, एंड the cost of notebook b rupees 1. आपने ये लिखिए, उसके बाद आपको सिंपल आप इस रिलेशन को इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी नोटबुक का जो कॉस्ट है और जो पेन का जो कॉस्ट है उसमें किसका ज्यादा है और किसका कम है. ऑब्वियसली बात है, आपको बताया गया है नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, दुगनी है, टू टाइम्स. तो इट मीन्स वाई का जो कॉस्ट है वो एक्स के टू टाइम्स पर डिपेंड करता है. तो अगर मैं इसको और ज्यादा इक्वेशन को एलोबरेट करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2x माइनस y एंड इज इक्वल टू 0. अब आप बोलेंगे सर इसमें c तो है ही नहीं, राइट, ये वाला c. तो वो c हम अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और ज्यादा अच्छे से लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि c मेरे लिए यहाँ पर 0 ही है. तो मैं अगर यहाँ से सब इनवर्स करूँ तो a क्या है मेरे लिए 2, क्योंकि जो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो 2, y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो माइनस वन, और सी की बात करते हैं तो वो जीरो है. वैसे अगर ये नहीं निकालना है तो इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है. बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आप किस तरह से कंपैरिजन दे सकते हैं. ओके, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स. देखिए कुछ खास ऐसा नहीं था इस इक्वेशन में. ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जब बात करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. जब आपके पास इक्वेशन आती है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सब कुछ आप देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही है और इधर सिर्फ जीरो है. तो यहाँ पर भी हमें हर एक इक्वेशन में यही काम करना है. जब आप देखेंगे 2x plus 3y, इसको भी आपको इधर शिफ्ट कर देंगे और आपके सामने आ जाएगा. अब आप बोल देंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो a है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर 2 है. x कोएफिशिएंट ऑफ x, वी कॉल इट coefficient of x. b कितना है स्टूडेंट, 3, और c का जो वैल्यू है वो माइनस, अच्छा माइनस साइन जरूर लें स्टूडेंट्स, माइनस जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो सोचते हैं कि यही वैल्यू सिर्फ लिखनी है, आपको साइन के साथ लिखनी है वैल्यू, ये भी ध्यान रखें. ओके, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखें तो ये एक्चुअली में अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रही, और कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकती है क्योंकि हम a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, b इज हो जाएगा हमारा -1/5, c हो जाएगा -10, वो भी ठीक है, गलत नहीं है. और इसको अगर आप एलोबरेट करना चाहते हो तो 5 इसमें एलसीएम लेकर भी कर सकते हो. अगर आप नहीं करना चाहते तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठा हुआ है कि एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सिर्फ x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा 1, y का जो कोएफिशिएंट है वो है -1/5, और c हो जाएगा आपका -10, करेक्ट. आप एलसीएम लेने के बाद भी यही काम कर सकते हो. अगेन इस वाले क्वेश्चन इसमें देखिए ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हमारी, क्या करा जाए, सबसे पहले 6 को इधर ले लिया जाए, उसके बाद आप देखेंगे x का जो कोफिशियंट है वो -2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब वो a है, y का जो कोफिशियंट है वो b माना जाएगा, तो b इज 3,
और सी जो है वो माइनस सिक्स होगा जो हमें दिख रहा है राइट। इस इक्वेशन में बात करें तो सबसे पहले हमें इसको y को उधर लाना पड़ेगा। अब नाउ स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन में क्लियर हो रहा है कि c पार्ट है ही नहीं, मिसिंग है। जब मिसिंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, b क्या हो जाता है, माइनस थ्री, और c हो जाएगा जीरो क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो माइनस थ्री और c हमारे पास मिसिंग है तो हम उसको जीरो ही लिख देंगे, करेक्ट। तो ये हमारे फोर पार्ट्स जो हमें दिए। इसके बाद अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करता हूँ, फिफ्थ पार्ट जो आता है मैं यहाँ पर कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट में वो बात कर रहे हैं 2x is equal to minus 5y। इसमें अगर बात करते हैं तो हमारे सामने आ गया 2x plus 5y, फिर अगेन इसमें c पार्ट इज जीरो, हमारे पास ये पार्ट है ही नहीं, सिर्फ x और y पार्ट गिवन है। तो ये a का वैल्यू कितना हो गया 2, b is 5 and c is 0, करेक्ट। अगर मैं सिक्स पार्ट करता हूँ, सिक्स पार्ट में यहाँ कर देता हूँ, 3x plus 2 is equal to 0। देखिए जरा इसमें अगर आप बात करते हैं, इसमें y मिसिंग हो गया, देखिए जो पार्ट मिसिंग है उसको आप जरूर पुट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में ताकि आपको नजर आए मैंने y लिखा उसके साथ जीरो कर दिया, अभी भी ये जीरो ही है। बट बेनिफिट क्या होने वाला है, a is 3, b is 0 and c is 2, ठीक है। y का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, a is 3, c is 2, इस तरह से आप इक्वेशंस को बना सकते हैं। एक और लेते हैं, इसमें x मिसिंग आ रहा है, ओके ये आता है अपना 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें अगर x मिसिंग है तो क्या करेंगे आप, 0x प्लस सॉरी 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज व्हाट, 0, b इज 1 एंड c इज माइनस 2, इस तरह से आप कर पाते हैं राइट। एंड वन मोर पार्ट वी आर हैविंग व्हिच इज 8th पार्ट, इट इज 5 माइनस 2x, सॉरी 5 इज इक्वल टू 2x। तो देखिए इसमें 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्योंकि y इज नॉट हियर। a का वैल्यू कितना देगा स्टूडेंट, ये 2, b 0, c एंड माइनस 5, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यही है, इसी तरह के और सम्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो राइट, जिससे आपकी थोड़ी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। और आई होप आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। So thank you so much for watching this video.